नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी पोद्दार। आइए न्यूज 28 के माध्यम से रुख करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में चलने वाले टीकाकरण अभियान को लेकर आज मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे अहम बैठक। भारत में 16 जनवरी से शुरू हो रहा है टीकाकरण अभियान। बिहार के लोगों को लगेगा पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोरोना टीका कोविशील्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया निर्णय। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ छाया कोहरा। पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों में शीतलहर के आसार। भारत में बर्ड फ्लू के कारण बेहद सस्ता हुआ चिकन। 120 से 125 रुपए किलोग्राम बिक रहे चिकन की कीमत 55 रुपए प्रति किलोग्राम जा पहुंची। किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। किसान आंदोलन से जुड़ी कई याचिकाएं कोर्ट में हुई दायर। पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने से किया इनकार। कहा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देंगे जवाब। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में कई मामले दर्ज। नगर निकाय चुनाव। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भाजपा को झटका। कांग्रेस ने 17 सीटों पर लहराया जीत का परचम। दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग नॉर्थ पोल पर उड़ान भर एयर इंडिया की महिला पायलटों ने रचा इतिहास। 16,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु पहुंची फ्लाइट। सिडनी टेस्ट के आखिरी दिन टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा कर सकते हैं वापसी। दर्द का इंजेक्शन लगवाकर कर सकते हैं बल्लेबाजी। ऋतिक ने अपने जन्मदिन के दिन सोशल मीडिया अकाउंट पर आने वाली फिल्म का मोशन पोस्टर किया शेयर। लिखा, फाइटर के रूप में मार्फ्लिक्स के विजन की झलक कर रहा हूँ पेश। देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 28 और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।